हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। मैंने इसके लास्ट तिवारी। दोस्तों, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट है उसका एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है। आपके पास अराउंड 10 दिन बचे हुए हैं और आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। आज क्योंकि 5th ऑफ सेप्टेम्बर है, आज का दिन खास है, टीचर्स डे है। सो हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। हमारे जीवन में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हम भी स्टूडेंट, हम भी टीचर, तो ये सिलसिला जारी रहता है। बट हमको अपने टीचर्स को याद करते रहना है। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉटन और सीसीआई बेस्ड एमसीक्यूज। देखिए क्या होता है, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। और इस सिलेबस में आप देखेंगे कॉटन पे बहुत सारे क्वेश्चन है। कॉटन की क्या प्रेजेंट कंडीशन है, ओके, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, एरिया क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या, इस टाइप के क्वेश्चन भी रहते हैं। तो वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हमारी सीरीज लंबी चलने वाली है। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 500 क्वेश्चंस यहां पे हम डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज सीडब्ल्यूसी के लिए भी, एनएससी के लिए भी चलेगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम कुछ हम यहाँ पे सीसीआई से पहले डिस्कस कर लें। तो अराउंड हमारा टारगेट है कि 200 क्वेश्चन हम सीसीआई के लिए पहले ही डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर ये आगे सीडब्ल्यूसी और एनएससी के लिए कंटिन्यू रहेगी। तो आप इसको आगे भी फॉलो कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट? इजी क्वेश्चन, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है? तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे मैं नोटिफिकेशन के टाइम पे भी बताता हूं कि सीसीआई ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बिजनेस एंटिटी है। आप देखेंगे ये किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे भी। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। तो आप देखेंगे कंपनीज को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयूज होते हैं उसको 3 में क्लासिफाई किया जाता है, मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न कंपनी। तो मिनी रत्न ये कंपनी है, इसके प्रॉफिट ईयरली या फिर हम कह सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव ईयर में 30 करोड़ से ज्यादा रहता है, तो उसको हम मिनी रत्न कंपनी कहते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये है। हु इज द करेंटली सर्विंग एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये आपको बताना। ऑप्शन आपके, स्मृति ईरानी, ललित कुमार गुप्ता, राजेश शर्मा, पीयूष गोयल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है श्री ललित कुमार गुप्ता जी। ओके, पीयूष गोयल जो है वो मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द टेक्सटाइल है श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। आप देखेंगे जो सीएमडी है वो श्री ललित कुमार गुप्ता है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीसीआई इन द करंट कॉटन सिनेरियो? सीसीआई की आज के टाइम पे प्रमाणिकता क्या है या फिर जरूरत क्या है? ऑप्शंस देखिए, अच्छे से समझिए। टू अंडरटेक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस, सेकंड ऑप्शन है। टू अंडरटेक कमर्शियल परचेजेस ऑपरेशन फॉर टेक्सटाइल मिल्स, थर्ड ऑप्शन है। टू इंश्योर स्मूथ सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थर्ड है प्रमोट कॉटन कल्टीवेशन इन नॉन कॉटन ग्रोइंग एरिया। तो अब आप कहेंगे कि ये तो फंक्शन सारे ही सही लग रहे हैं, बट हमसे पूछा है प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सूटेबल टू अंडरटेक द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन। प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस अच्छे से रहेंगे तो बाकी सारी चीजें भी मेंटेन रहेंगी। अब हम इन सारी चीजों को देख लेते हैं। सीसीआई एस्टैब्लिश हुआ था 31 जुलाई 1970 में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ओके, वर्क क्या है, मार्केटिंग ऑफ कॉटन। तो ये क्या करता है, चैनलाइजिंग एजेंसी फॉर इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन एंड परचेज ऑफ रॉ कॉटन फॉर गिविंग नेसेसरी प्राइस सपोर्ट टू एंटरप्राइजिंग कल्टीवेटर। तो मेजर फंक्शन क्या है, एंटरप्राइजिंग कल्टीवेटर्स को प्राइस सपोर्ट देना। रॉ मटेरियल या फिर रॉ कॉटन फॉर टेक्सटाइल मिल्स तो है ही है। अभी आप देखेंगे ये मेंशन किया हुआ है, नाउ मेजर रोल ऑफ सीसीआई इज टू अंडरटेक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस। ओके, मेजर रोल क्या है, प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस को अंडरटेक करना। डेफिनेटली जैसे मैंने आपसे कहा कि और ऑप्शंस भी वैलिड थे, बट हमको मोस्ट सूटेबल देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट टाइम में एमएसपी क्या फिक्स किया गया है कॉटन के लिए, वो भी लॉन्ग और स्टेपल का, फॉर द मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24। तो खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24 के लिए जो कॉटन है लॉन्ग स्टेपल, उसका क्या प्राइस फिक्स किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7020 रुपीज। इसको आप देख सकते हैं ये एमएसपी है फॉर द खरीफ मार्केटिंग सीजन। जो मीडियम स्टेपल का है वो है 6620, लास्ट ईयर ये था 680, लास्ट ईयर लॉन्ग स्टेपल था 6380, इस बार ये है 7020 रुपीज। तो आप ये देख सकते हैं अभी 7020 रुपीज है। अब देखिए क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से कैसे पूछा जाता है। बेसिक तो हो गया कि एमएसपी क्या है, बट कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ कॉटन मीडियम स्टेपल फॉर द मार्केटिंग सीजन 2023-24 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर एमएसपी, पिछले साल के कंपेरिजन में कितना चेंज आया?
ये ना ही ये पूछा है कि इस साल कितना है, ना ये पूछा पिछले साल कितना है, आपसे सिर्फ ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस। सो मीडियम स्टेपल का पूछा है 6620, इस बार है लास्ट ईयर इट वॉज 6080, सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑफ 550 रुपीज, सो दिस इज द इंक्रीज इन एमएसपी ओवर 2022 एंड 23। सिमिलरली यहाँ पे 640 है, सो इसे हम कहते हैं कंपेरेटिव स्टडीज, और कंपेरेटिव स्टडीज जरूरी है, इसी से आप आगे अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम स्टेज वाइज प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजों की बात करेंगे। ये हमारी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कॉटन की, जहां यहाँ कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। आई होप कि आप सभी को पता होगा कि कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, ये क्वेश्चन आगे आएगा। क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2022 एंड 23, जो लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कॉटन का क्या प्रोडक्शन है? 149, 143, 494, 561, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 343.47 लाख बेल्स। आई होप कि आपको कुछ डाउट सा हो रहा होगा कि ये थ्री डिजिट नंबर कैसा है, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे हम ऐसे पढ़ते थे 34.347 347 मिलियन बेल्स। ओके, पहले से ये मिलियंस में आती थी रीडिंग्स, अभी ये लैक में आना स्टार्ट हुई है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। तो आप ये देखेंगे ये ईयर वाइज है, एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। 1947 में हम 44.24 लाख हेक्टेयर एरिया पे ग्रो करते थे, जो अभी इंक्रीज होके 130। प्रोडक्शन भी हमारा, आप देखिए एरिया से कम हमारा प्रोडक्शन था, अभी हमारा प्रोडक्शन 343.47 है। यील्ड 132 थी, अभी ये 447 है, तो इतना हमने चेंज या फिर डिफरेंस क्रिएट ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एज पर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट, कौन सा स्टेट सबसे लीडिंग है? तो आई होप कि ये सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर हियर इज गुजरात। महाराष्ट्र से कंफ्यूज मत होइएगा, महाराष्ट्र की भी लीडिंग रैंक है बट प्रोडक्शन में नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात की लीडिंग रैंक है, उसके बाद सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड तेलंगाना। अब ये प्रोडक्शन की बात थी, अब हम बात करेंगे एरिया की। तो एरिया के लिए कौन सा लीडिंग है? महाराष्ट्र। तो आप देखेंगे एरिया के लिए महाराष्ट्र। अभी यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि सर ये तो ईयर 2021 एंड 22 है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारा रैंकिंग आती है स्टेट वाइज रैंकिंग, एट वाइज डेटा, वो एक साल पीछे चलता है। जो ये डेटा रिलीज हुआ था ये अभी मई 2023 में रिलीज हुआ था, तो ये मत सोचिएगा कि ये पुराना है। और अभी भी आप देखेंगे जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट जो अभी आया नहीं है, मतलब पिछले साल का 2022-23 का अभी हमारे पास फाइनल प्रोडक्शन डेटा नहीं आया हुआ है, इस वजह से ये एक साल पीछे का हमें दिखता है। ओके, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो महाराष्ट्र इज लीडिंग इन द एरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड में हमारी क्या कितना परसेंटेज है इंडिया का वर्ल्ड की टोटल कॉटन प्रोडक्शन में? तो ये हमारा 24-25% रहता है। अभी आप देखेंगे ये 25% है, ये एरिया की कंडीशन है, एरिया इन मिलियन हेक्टेयर, प्रोडक्शन इन मिलियन मेट्रिक टन, कंजम्पशन इन मिलियन मेट्रिक टन। तो आप देख सकते हैं एरिया में भी हमारी काफी अच्छी है रैंकिंग, ऑल्दो प्रोडक्शन में अभी हमारी रैंकिंग सेकंड चलती है, एरिया में हमारी रैंकिंग फर्स्ट है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द वेट ऑफ वन बेल ऑफ कॉटन। बहुत इजी क्वेश्चन है कि वन बेल ऑफ कॉटन क्या है, बट हम कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं वन बेल ऑफ जूट से। तो वन बेल ऑफ कॉटन है 170 kg, वन बेल ऑफ जूट आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, विच स्पीसीज कवर द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया, या फिर ये ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड कौन सा है। तो अपलैंड कॉटन या फिर जो मोस्ट कल्टीवेटेड है, सभी को पता होगा ये हिर्सुटम है, गॉसिपियम हिर्सुटम, और इसके साथ साथ जो दूसरा कल्टीवेबल है वो है गॉसिपियम बारबाडेंस। तो आप देखेंगे कि हिर्सुटम एंड बारबाडेंस ये क्या है, टेट्राप्लॉइड है। ओके, टेट्राप्लॉइड। और जो आर्बोरियम एंड हर्बेशियम है ये कैसे है, डिप्लॉइड। ओके, तो ये टेट्राप्लॉइड है हिर्सुटम एंड बारबाडेंस, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हिरबा गॉसिपियम हिर्सुटम एंड बारबाडेंस। ये अपलैंड कॉटन को कहा जाता है, अराउंड 90-95% जो कल्टीवेटेड कॉटन है वो गॉसिपियम हिर्सुटम है, बाकी रेस्ट बारबाडेंस है। आर्बोरियम एंड हर्बेशियस हर्बेशियम ये कैसे है, डिप्लॉइड है, और इसको अरहर ऐसे आप याद कर सकते हैं जस्ट रिमेम्बर करने के लिए। देन आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन इज, फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड कॉटन वैरायटी कौन सी थी? वो H4 थी, हाइब्रिड 4, जिसको डॉक्टर सीटी पटेल ने बनाया था और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में। Then, which in technique was introduced to address the problem of resistance developing in bollworms against BT cotton? BT के against भी bollworms में resistance develop हुआ, तो उस technique, कौन सी technique introduce की गई ताकि इस issue को resolve किया जा सके? तो उसको हम बोलते हैं refugia technique। Okay? So, मतलब BT cotton हम लेकर आए थे कि bollworm और जो cotton stem borer होता है उसके against protection रहेगा, but धीरे धीरे उन insects में भी इसके लिए
रेजिस्टेंस आने लग गया, मतलब बीटी कॉटन ग्रो किया है बट बॉलवर्म मजे से उसको सफाचट कर रहा है, तो कौन सी टेक्निक लाई गई, रिफ्यूजिया टेक्निक। नेक्स्ट इज बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन टॉक्सिन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट। ओके, बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था किस पेस्ट के लिए, तो आप देखेंगे एफिडवी भी ले कैटरपिलर स्लग्स के लिए, तो यहाँ पे कैटरपिलर्स के लिए ये किया गया, कॉटन बॉलवर्म और स्टेम बोरर के लिए, तो उसके कैटरपिलर को, तो जैसे ही कैटरपिलर्स को फीड करते हैं उनकी गट में परफोरेशंस हो जाते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्पेसिफिक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग द इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन बीटी कॉटन इन इंडिया। तो कौन सी बीटी, जो हमने बीटी दी थी बैसिलस थ्रिंजिनेसिस, इस बीटी से कौन सी दो जीन हमने इंसर्ट की थी और जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप देखेंगे दो जीन है, एक है Cry1AB और दूसरी है Cry2AC, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है और ये प्रोटेक्शन देती हैं कॉटन बॉलवर्म और इंसेक्ट बोरर के, स्टेम बोरर के अगेंस्ट में, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, Cry1AB एंड Cry2AC। ओके, सो दीज आर द स्पेसिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉटन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड कॉटन की कंडीशन। आई होप कि आपको इससे बेसिक आइडिया मिला होगा, हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करने के लिए आपको आई एग्जाम भी में फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, 120 मार्क्स, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम तो बहुत है, 20 मिनट्स आर सफिशिएंट, तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, आप उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और आपको अपनी स्टेटस का भी पता चलेगा कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड हैव अ ग्रेट डे।